किसान भाइयों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं सरदार मॉडल मल्टीक्रॉप थ्रेसर। क्या इसकी खासियत है? सबसे पहले हम आपको दिखाने वाले हैं टोकरी के बारे में। 5 फीट लंबी ये टोकरी है। चेन की बात करें तो ड्यूप्लेक्स चेन के साथ ही कंपनी ने इस मॉडल को निकाला है। तो सबसे बड़ा बदलाव जो कंपनी ने इस बार किया है, वो किया है गेयरबॉक्स के अंदर। जी हाँ किसान भाई, इस गेयरबॉक्स के अंदर 2 स्पीड है, अलग से हैंडल लगाया हुआ है। इसमें 2 गियर के अंदर आती है। इसके अलावा 4 स्पीड अलग से पुलियों के अंदर इसमें लगाई हुई है। टायरों की बात करें, 12-5 के इसमें टायर हैं और ये डी मॉडल के साथ कंपनी इस मॉडल को निकाला है। आप देख सकते हो इसमें डी वाली पुली लगी हुई है। व्हील की बात करें तो 38 इंची लंबे इसमें व्हील लगे हुए हैं, काफ़ी हैवी। एक व्हील 150 किलो का है। 4 फैन के अंदर कंपनी इस मशीन को निकाला हुआ है। अगर आपका माल नीचे गिर जाता है तो इसको आप ग्रेडिंग इसके द्वारा कर सकते हो। आप इसको माल के अंदर डाल सकते हो, माल ग्रेडिंग होकर आपका बाहर आ जाएगा। नए बदलाव की बात करें तो माल को स्टॉक करने के लिए कंपनी ने अलग से ऊपर एक टैंक लगाया हुआ है, जिसके अंदर केवल आप अपने अनाज को स्टॉक कर सकते हो और इस वर्म के द्वारा इसको आप ट्रॉली के अंदर भी डाल सकते हो। किसान भाई, बहुत ही एंटीक फीचर के साथ कंपनी ने इस मॉडल को निकाला हुआ है, सरदार टैंक मॉडल। इसके अलावा बात करें अपन पंखे की, तो 3 ग्रुप के अंदर डी मॉडल के साथ कंपनी इस मॉडल को निकाला हुआ है। चेसिस की बात करें तो 6 इंची चौड़ा से चेसिस लगाया हुआ है। माल को साफ करने के लिए अलग से एक फैन लगाया हुआ है। यहाँ जब माल आएगा तो ये पंखा इसको साफ करेगा और एक चुस्की लगाई हुई है ताकि जो कचरा होता है उसको ये पूरा उठा ले। इसके अलावा इस मशीन के अंदर ब्लेड की बात करें तो 230 ब्लेड कंपनी इसके अंदर लगाए हुए हैं। ड्रम साइज की बात करें तो 45 ड्रम साइज के अंदर कंपनी इस मॉडल को निकाला हुआ है। इसके अलावा जो ऊपर वाला चालना होता है, यहाँ पे जो कचरा आता है वो इसके द्वारा नीचे गिर जाता है। अगर इसमें माल आ रहा है तो आप इसको खोल सकते हो, तो ये वापस पाइप इसको पीछे ले जाएगा और आपका माल बिल्कुल सेफ रहेगा। किसान भाइयों, बहुत ही लेटेस्ट मॉडल के साथ कंपनी ने इस मॉडल को निकाला हुआ है और अनाज का स्टॉक बहुत ही शानदार इसमें सिस्टम दिया हुआ है। सीढ़ी दी हुई है, किसान चेक कर सकता है इसको। आगे टूल बॉक्स दिया हुआ है। जोड़ने का सिस्टम भी बहुत एंटिक है। अगर आपको बेल्ट टाइट करनी है तो इसके अंदर अलग से सिस्टम दिया हुआ है, मतलब आपको नट लगाने की पाना लगाने की सिस्टम इसमें बहुत कम है। सब स्क्रू से सिस्टम इसमें दिया हुआ है और इसके अंदर आपकी एक खिड़की दी हुई है जिसको आप माल देख सकते हो कि माल ड्रम पर इकट्ठा तो नहीं हो रहा है। और स्पीड की बात करें तो 2 स्पीड इसमें अभी बची हुई है गेयरबॉक्स की और 2 स्पीड इसमें साइड में बची हुई है। तो किसान भाइयों, कैसी लगी है आपको सरदार टैंक मॉडल मशीन, आप कमेंट ज़रूर करिए। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक ज़रूर करें।